और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं दिल्ली में जोरों पर रिपब्लिक डे परेड की रिहर्सल की। आपको बता दें कि ठंड में जवानों का जोश हाई है। कर्तव्य पथ, इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में ये रिहर्सल हो रही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है और सुरक्षा के मद्देनजर कई रूटों में बदलाव भी किया गया है। तो दिल्ली में आज कर्तव्य पथ, इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल की जाएगी और इसके लिए दिल्ली में आज विभिन्न जगहों पर रूट जो है वो डायवर्ट रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए एडवाइजरी जारी की है जिसके बारे में जानकारी आपको आज दिल्ली जाने का प्लान बनाना चाहिए वरना आप परेशानी में पड़ सकते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक आज परेड की रिहर्सल की वजह से दिल्ली का कर्तव्य पथ मार्ग 2 घंटे 25 मिनट तक बंद रहेगा और सुबह 10:15 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ये होगी। और ट्रैफिक पुलिस ने फिलहाल लोगों से अपील की है कि वो आज इंडिया गेट के आसपास आने से बचे। अगर आना बहुत जरूरी भी है तो उसके लिए समय से पहले घर से निकलें और वैकल्पिक रूट प्लान के बारे में पहले से जरूर सोच लें। दिल्ली में जोरों पर रिपब्लिक डे रिहर्सल की परेड की तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं। कर्तव्य पथ, इंडिया गेट और कई इलाकों में रिहर्सल जो है वो की जाएगी आज। ठंड में जवानों का होश किस कदर, जोश किस कदर हाई है वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि इस दौरान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर कई रूटों में बदलाव किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी नमित त्यागी का जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमित, दिल्ली में रिपब्लिक परेड की रिहर्सल जो है वो जोरों पर देखने को मिल रही है लेकिन कुछ रूट्स ऐसे भी हैं जिनको डायवर्ट किया गया है, तो फिलहाल कैसी तैयारियां आपको देखने को वहां पर मिल रही है? देखिए बिल्कुल निदा, 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस, इस बार देश जो है 74वां गणतंत्र दिवस मनाएगा, उसको लेकर जो 26 जनवरी के परेड की तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से जोरों पर हैं। इस वक्त हम कर्तव्य पथ पर ही हैं और यहां पर भी कुछ ही देर में जो परेड की रिहर्सल है वो शुरू होने वाली है, जिसको लेकर जो तमाम प्रोटोकॉल्स हैं वो पूरे कर लिए गए हैं क्योंकि 26 जनवरी से पहले 3 दिन की जो रिहर्सल परेड होती है, फुल ड्रेस रिहर्सल परेड, उसका आज आखिरी दिन है। ऐसे में अगर हम बात करें तो कर्तव्य पथ पर जो है पूरी तरीके से तैयारी की गई है क्योंकि इस बार जो है विदेशी मेहमानों की अगर हम बात करें तो मिस्र के राष्ट्रपति जो है वो इस बार शामिल होंगे 26 जनवरी में, क्योंकि ये परंपरा रही है कि हर बार गणतंत्र दिवस में कोई जो विदेशी मेहमान है उसको आमंत्रित करना होता है क्योंकि पिछले साल ही भारत को G20 की अध्यक्षता मिली थी, उसी दौरान भारत ने मिस्र के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया था और इस बार गणतंत्र दिवस पर जो विदेशी मेहमान के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति शामिल होंगे। हालांकि इस बार 26 जनवरी की परेड इसलिए भी खास होने वाली है क्योंकि पिछले 2 साल में कोविड की वजह से उस तरीके की परेड जो है दिल्ली वासियों को नहीं देखने को मिली थी। इस बार का जो आयोजन है वो काफी भव्य होने वाला है क्योंकि 26 जनवरी के दिन जब परेड होती है निदा तो ना केवल देशवासियों की नजर उस पर रहती है बल्कि जो भारत से जो सटे हुए देश हैं, जो कि चाहे पाकिस्तान की बात करें या फिर जो विदेशी हैं चाहे चाइना की बात करें, इन लोगों की भी नजरें जो हैं वो इस गणतंत्र दिवस की परेड पर रहती है क्योंकि इस दिन भारत की जो पूरी सैन्य ताकत है, सैन्य शक्ति है वो इस कर्तव्य पथ पर दिखती है। देखिए जो आसपास के लोग हैं वो भी रिहर्सल को देखने के लिए यहाँ पर सड़कों पर पहुंचे हैं और देखिए दूसरी तरफ रोड के दूसरी तरफ आपको देखिए जो सेना से जुड़े हुए ट्रक हैं या फिर जो यहाँ से परेड निकलेगी उससे जो संबंधित लोग हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। थोड़े मिलाकर जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं यहाँ पर नवीन, उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि हमारे सेना के जवानों का तो जोश हाई है ही, साथ ही साथ जो लोग हैं, जो दिल्ली वासी हैं, दूर दूर से जो आए हैं वो भी देखिए इनका हौसला बढ़ाने के लिए कैसे इतनी ठंड में इन लोगों का भी जोश कम नहीं है, काफी उत्साह के साथ ये तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं। स्वीकार किया, देखिए बिल्कुल निदा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। 12:15 बजे परेड शुरू होगी रिहर्सल परेड और 12:30 तक ये चलेगी। इस दौरान हालांकि दिल्ली के जो कई रूट्स हैं उनको डाइवर्ट किया गया है, दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई, चाहे मानसिंह रोड की बात करें, मंडी हाउस की बात करें, इसके अलावा कई ऐसी रोड हैं जो राजपथ से जुड़ी हुई रोड हैं
वहां पर 10:15 बजे से 12:30 बजे तक जो ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से डाइवर्ट किया गया है, ताकि जो लोग वहां से गुजरेंगे वो एक वैकल्पिक रास्ता चुने, क्योंकि अगर उस रोड पर आएंगे तो रोड तो 12:30 बजे तक बंद रहेगा। लेकिन जिस बात का जिक्र आपने निदा किया कि यहाँ पर तापमान में भले ही गिरावट हो, लेकिन भारतीय सेना के जो जवान है उनका जो जोश है वो काफी हाई है। उसके साथ साथ जो दिल्ली के आसपास के लोग हैं या फिर दिल्ली के लोग हैं वो सुबह से ही यहाँ पर टकटकी लगाए खड़े हैं कि कब जो रिहर्सल परेड है वो शुरू होगी और हम उसमें हिस्सा लेंगे। ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं रिहर्सल देखने के लिए। जी सर, कहाँ से आए? हम लाल कुआ से, गाजियाबाद से। क्या मतलब, हर साल आते हैं इसी बार? हाँ, आते रहते हैं हम। देखिए, यहाँ से अलग अलग इलाकों से जो लोग हैं निदा वो यहाँ पर पहुंचे हैं। थोड़ा सा आगे आकर मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे यहाँ पर कि वो जो दूसरा सिरा आपको दिख रहा होगा विजय चौक, वहीं से परेड की शुरुआत होनी है और कुछ ही देर में परेड शुरू होगी जब भारत की पूरी सैन्य शक्ति जो है वो इस कर्तव्य पथ पर दिखेगी। क्योंकि 26 जनवरी के दिन जब गणतंत्र दिवस की परेड शुरू होती है तो भारतीय सभ्यता की जो झलक है वो इस कर्तव्य पथ पर दिखती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सेना पर जो जवान हथियार लेकर तैनात रहते हैं वो इस कर्तव्य पथ पर चलते हैं। आर्मी बैंड चलता है, वायुसेना का बैंड चलता है। इसके अलावा आसमान में भी हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर के बाद जो भारतीय सेना के वायुसेना के विमान हैं वो भी गरजते हुए हमें यहां पर नजर आएंगे। फिलहाल तो एक कर्तव्य पथ की तस्वीरें हैं जहां बहुत-बहुत शुक्रिया। 10:15 बजे तक का इंतजार हमें करना होगा और आपको तस्वीरें लगातार हमारे सहयोगी नमित दिखा रहे हैं कि कैसे ठंड में भी हमारे जवानों का होश जो है, जोश जो है वो पूरा हाई है।